20 लाख? ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा, तो जो रकम समीर ने अदा की थी वो आप लोग हमसे सूद समेत लोग वापस लेना चाहते हैं? उसे अकेले न छोड़े। वानिया जी। अम्मी कैसी तबीयत है बेटा? तुम्हें बुखार तो उतर गया है लेकिन बस इंजेक्शन का असर है, शायद इसलिए सो रही। समीर कहाँ गया इस वक्त? कुछ सामान लेने गए, गुस्से में थे बहुत, कह रहे थे जो कुछ भी हुआ है ये चची जान का किया धरा। कह रहे थे बिला वजह उन्होंने हक मेहर का शोशा छोड़ दिया। जो बादशाह किला ने की थी उसका सही जवाब तो हुई था जो फरहाना ने दिया। जबान की बुरी है मगर दिल की साफ है फरहाना। हाँ लेकिन उनको असल नाराजगी इस बात पे है कि वो यहाँ क्यों रुकी हुई है। राबिल को अपने हाथों में पाला है उसने बेटे, बच्ची का दर्द समझती है वो। अगर कल खुदा ना खास्ता अरमान के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मैं नहीं रुकूंगी उसके पास। खैर छोड़े, आप समीर का टेम्पर तो आपको पता ही है। मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? हाँ बेटे बना दो। सर में दर्द हो रहा है, मैं राबेल की तरफ से भी परेशान हो गई बहुत। मेरे कमरे में ही रहता बेटे। आप आराम करें, मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ आपके लिए। तुम्हारे भी सर में दर्द हो रहा है? नहीं, अम्मी कह रही थी उनका सर दर्द से फट रहा है, उनके लिए लेके जा रही हूँ। आपको भी चाहिए? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चाय बनाने जा रही थी। तुम चाय पियोगी? जी, अम्मी को मेडिसिन देकर आते हैं। क्या बात है मिनाहिल, तुम उदास क्यों हो? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना, जिस पे गुजरती है सिर्फ वो जानता है कि जब इतना मजबूत रिश्ता टूटे तो उसके साथ सारे ख्वाब सारी उम्मीदें और आपका दिल सब कुछ टूट जाता है। कैसा रिश्ता, 4 ही महीने तो हुए हैं मंगनी को। मोहब्बत में लम्हे सदियों की तरह और सदियां लम्हों में गुजर जाती हैं। आपकी शादी हो गई ना भाईजान से, इसलिए आपको क्या मालूम जुदाई का दुख क्या होता है। अच्छा तो बात यहां तक पहुंच गई है, तुमसे कुछ कहा राबेल ने? कुछ कहती कहां है, मानने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन आपको पता है आज भी अपने और मास भाई की कंपैटिबिलिटी का जिक्र कर रही थी। यकीन करें भाभी, ये मोहब्बत ही है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। मजबूत रिश्ते जब टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है,
मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है, तुम पर इतनी संजीदा बातें अच्छी नहीं लगती। वैसे ही बात करो हंस हंस के जैसे करती हो, और राबेल की हिम्मत बनो, ठीक है? शाबाश। कप्स लेकर आऊं? जाओ निकालो कप्स। मम्मी को मायरा के लिए इस तरह की बात करें तो क्या बर्दाश्त करेंगी? बिल्कुल ठीक कहा है मैंने, तुमने सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा? 20 लाख एक रकम होती है, ऐसी उठा के किसी को भी दे दूं? किसी? वो किसी नहीं है, वो मेरी होने वाली बीवी थी, मंगेतर है मेरी। 20 लाख क्या हैसियत है हमारी इन पैसों के लिए? आपको याद है पिछले साल हम बाकू गए थे, 16 लाख रुपए खर्च किए थे, एक फैमिली में रिश्ता होने वाला था, और आप? ऐसा कौन सा जादू कर दिया उन लोगों ने तुम पर जो तुम मुझसे लड़ रहे हो? मोहब्बत हो गई है भाई कौन से? हाँ हो गई है मोहब्बत, अच्छी लड़की है, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे और शरीफ। तो बेटा एक काम करो ना, पूरा घर उसके नाम कर दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ वहीं जाके रहने लग जाओ तुम, घर दामाद बन जाओ उनके। आपसे बात करना फजूल है, आप सोचिएगा आपने क्या किया है, हो सकता है आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। गलती? मतलब तुम्हें अब भी ये लगता है कि गलती मेरी है? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि उन लोगों ने तुम पे वाकई में जादू किया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ ना अम्मी, ये कोई जादू वादू नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत? चुप करो तुम, मोहब्बत है इसे सब कुछ पता है तुम्हें, दोनों के दोनों पागल हो गए हो। जी बातें कर रहे हो, मुझे तो लगता है ये पक्का जोरू का गुलाम बन जाएगा। माँ खराब कर दिया मेरा। अस्सलाम। राबेल का है? उठ गई है वॉशरूम। अच्छा मैंने नाश्ता बना लिया है, वो आ जाए तो बस जल्दी से आ। चाची भाई जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है, जल्दी से आओ तुम दोनों। शाबाश। नाश्ता तो मैंने पूरा तैयार कर दिया है, पराठे बनाए, ऑमलेट, फ्राई अंडे, और बस चाय भी तैयार होने वाली है। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी फरहांगा, मेरा तो दिल बिल्कुल ही नहीं चाह रहा है कुछ खाने वाने को। अभी आप इस तरह बात ही कर सकती, आपको तो हौसला करना पड़ेगा। बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी से चाय बनाओ भाई, आप लोग इतने परेशान होंगे जब आप इन पे क्या कुछ। जल्दी से ले आओ नाश्ता ठंडा हो रहा है। एक्सेस हुई भी कि नहीं? ठीक लम्हा में ताजत पे मैं उठी थी, तब भी जागी भी थी, और फजर पे भी। बानिया और समीर को भी बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह देखो रे, अच्छा आ जाओ। चची जान इतना सब आप मुझे उठा लेती, मैं आपकी मदद कर देती, प्रॉब्लम ही नहीं। ये लीजिए गर्म है गर्म चाय। राबेल देखा मैं सही कह रही थी ना, सबके मूड ऑफ है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आप घर से नहीं जा रहे हैं। ठीक कह रही हो, सब मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी गलती है, मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इतने अरसे से अकेली रह रही हूं, यहां पे अपनाइयत मिली तो मुझे लगा कि मैं जो भी कहूंगी सही कहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे आने नहीं चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। कैसी बातें कर रही हो फरहाना? ठीक किया तुमने, शकीला ने कौन सी कोई अच्छी बात की थी? अगर मैंने ठीक कहा तो राबेल के अलावा किसी को क्यों नहीं समझ आ रही? मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपने घर में पड़े रहना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। आपने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे माफ कर दे। चाची जान, I'm sorry। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी कोई गलती नहीं। मुझे माफ। Sorry, राबेल। जन्नत, जन्नत साहब चले गए? जी हाँ चले गए। अच्छा ठीक है, मैं हुमैरा की तरफ जा रही हूँ, तुम जरा दरवाजा बंद कर लो। बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मेरी बातें याद रखो, ठीक है ना? जैसे आप आज भी रुक जाए ना बेटा, अगर काम ना होता ना जरूरी, मैं जरूर रुक जाती। वो कॉल कर रहा है ना, घंटी बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं भाई, उसकी अम्मी ने कभी नहीं बदली, फायदा नहीं है। अच्छा मैं जाते जाते ना हलवा भिजवा रही हूँ तुम्हें, ठीक है? तुमने नाश्ता भी ठीक तरह से नहीं किया था, वापस आकर चेक करूंगी कि खाया कि नहीं, ठीक है? इग्नोर। अच्छे से इंटरव्यू देना, ABCD आपको पूरी आती है, A for apple वगैरह। अरे चल दिए भाई, मेरी बिटिया का स्कूल में एडमिशन होगा आज तो, वाह वाह। सब बताना अच्छा, जो याद बात कराती है अम्मा। ठीक है अम्मी, अल्लाह अल्लाह कामयाब करे। जी राबेल मांग रही थी, इसको दे दीजिए। अच्छा कहाँ जा रही हो? देर हो गई है, मैं चलती। रुक जाती, इतना सब किया तुमने हमारे लिए कल, मैं तो ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। फिर आऊंगी, मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी आप लोगों का। कोशिश भी तो अभी करनी है कि समीर के दिल में जो कदूरत है वो दूर हो जाए। बचपन की बातें दिल में रख के बैठ गया है। सही कह रही हैं आप, दिल पे लिखी बातें बहुत मुश्किल से मिटती हैं। सिर्फ बुरी बातें याद रह गई, अच्छी सब भूल गया। खैर मैं फिर आऊंगी। खुदा वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? बस क्या बताया आंटी, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। कैसा नसीब है, इधर मेरे ख्वाब टूटे और उधर अफिया के। कोई ख्वाब नहीं टूटा, मैं हूं ना बेटी। कहा ना तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी कहाँ है? अम्मी अपने रूम में आए। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला के लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। अम्मी
अम्मी बस आ रही है। मुझे जरूरत नहीं बताया मैंने। क्या हुआ था? खैरियत है सब? बहुत खुश हो रही हो तुम? रिश्ता विश्ता हो गया बेटे का? अभी नहीं बाबा साईं, रिश्ता टूट गया है। मेरे जेठ की जिस बेटी की मंगनी हुई भी थी, कल रात को रिश्ता खत्म। सब टूट जाएगा, बहन भाई की नहीं रहेगी, औलाद मां की नहीं रहेगी, सब टूट जाएगा। कुछ आपके हाथ में है बाबा साईं। मैं चाहती हूँ कि यह खानदान तबाह हो जाए, निकल जाए इस घर से, या डर के या मर के। सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे आंसुओं का बदला लूंगा मैं, सब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कर लोगी तुम? आप हुक्म कीजिए बाबा साहब। तो ऐसा करो कि तुम अब लिखना शुरू करो। कुछ चीजें हैं जो कि शहर से बाजार से तुम्हें मंगाना है। क्यों आई है हुमैरा? क्यों आई है मेरे घर में? जब मैंने तुम्हें समझाया था कि अपनी दोस्त को समझा देना, तो क्यों आई है? क्या हो गया आपको? आहिस्ता बोले, वो बाहर बैठी हुई है। हाँ तो क्यों बैठी है मेरे घर में? मैंने बुलाया था उसे। तुम्हें पता है मुझे उस घर का कोई भी फर्द पसंद नहीं। अगर अम्मा ने उसके बेटी की शादी में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी होती तो मैं कभी जाने नहीं देता। मेरा और बच्चों का क्या कसूर है? और कामरान भाई ने कौन सा आपके साथ गलत किया था? कान ने तो डसा था ना मुझे। तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। अपने 1,00,000 रुपए के लिए मेरे 12,00,000 बर्बाद किए थे। और तुम्हें पता है आज से 17 साल पुराने 12,00,000 कितने होते हैं? आज के 1.5 करोड़ बनते हैं। 1.5 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था मुझे। भाई कहता था मुझे अपना, वो भाई बनकर पीठ पे छुरा घोपा हंसते हैं। बस कर दे अब आप, पुरानी बातें भूल भी जाए। वो बेचारी तो सिर्फ कुरान खानी का कहने के लिए आई है। अगर तुमसे नहीं होता ना तो मैं खुद उसे जाके बताता। रुक जाए जमाल, घर है मेहमान के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जाता। मैं करती हूँ ना बात, तरीके से समझा देती हूँ उसे। ठीक है, तुम जाके बात करो। और आइंदा मुझे उसके घर का कोई भी फर्द अगर यहाँ दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ गई? चली गई है। सुन लिया सब उसने? जाहिर सी बात है, अब्बी ने कोई कसर छोड़ी है? जान पूछ के इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी ताकि वो सब सुन ले। माजरत करने का मुंह भी नहीं है मेरा। काश ही सब कुछ ना होता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अम्मी, जिन्होंने हमें पाला पोसा, हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, वो ऐसी बात कर सकती हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे सिवा कभी किसी को नहीं चाह रहा मेरा, और अब किसी को चाह भी नहीं पाऊंगा।
अगर हो सके तो मुझे एक बार मुझसे बात कर लेना। अल्लाह हाफिज। तो कर लेना फोन। क्या बचा है बात करने के लिए? पता नहीं अपिया, मेरी समझ में ये बातें नहीं आती हैं। जिंदगी तो आपने और मास भी ने गुजार लिया है ना, तो उनकी अम्मी की वजह से आप लोग अपनी खुशियों का गला क्यों फूट रहे हैं? मनु तुम क्या बात कर रहे? अम्मी रिश्ता तोड़ चुकी है, समीर भाई उसे घर से बाहर निकाल चुके हैं। अब कोई रास्ता नहीं। रास्ता है ना, तभी तो वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मनु, कोई रास्ता ना कोई मंजिल। मेरा तो ख्याल है मुझे नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि उसे भी समझ आए कि अब कोई कोशिश काम नहीं करेगी। नहीं अब ऐसा मत कीजिएगा। देखिए उन्हें इस मसले को सुलझाने का एक मौका तो दे। किस बात का मौका? जब मौका था तो उसने अपनी अम्मी से उठकर ये क्यों नहीं कहा कि राबेल मेरी मंगेतर है? 10 लाख तो क्या, दुनिया की सारी दौलत तो उसके लिए कम। कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन समीर भाई ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, फौरन से घर से निकाल दिया। अब कोई राजी ही नहीं है इस घर में, तो कैसे रिश्ता जोड़? और मास, मैंने देख लिया है मास ने कितना हौसला, कि वो मेरी खातिर क्या कर सकता। सच पूछो तो अब मैं मास से शादी नहीं करना चाहती। मेरा और बच्चों का क्या कसूर है? और कामरान भाई ने कौन सा आपके साथ गलत किया था? कान ने तो डसा था ना मुझे। तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। अपने 1 लाख रुपए के लिए मेरे 12 लाख बर्बाद किए थे। और तुम्हें पता है आज से 17 साल पुराने 12 लाख कितने होते हैं? आज के 1.5 करोड़ बनते हैं। 1.5 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था मुझे। भाई कहता था मुझे अपना, वो भाई बनकर पीठ पे छुरा घोंपा होते हैं। घर है मेहमान के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जाता। मैं करती हूँ ना बात, तरीके से समझा देती हूँ उसे। ठीक है, तुम जाके बात करो और आइंदा मुझे उसके घर का कोई भी फर्द अगर यहाँ दिखा तो मुझसे बुरा कौन होगा। एक बात तो बताना ही भूल गई। समीर नया बिजनेस शुरू कर रहा है। तो मैं क्या करूं, मुझे उसके किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने बिजनेस में बड़े बड़े ओहदों की हायरिंग कर रहा है आजकल। मैंने खुद सुना, भानिया से बात कर रहा था और दफ्तर की जगह भी ले ली है उसने। मैं तो कहती हूँ तुम अप्लाई कर लो। मतलब जलील करने का कोई और अच्छा तरीका सोच लेते। अब मैं भी उनके ऑफिस में काम करूंगा, और वो भी वो ऑफिस जो हमारे ही पैसे से लेकर बनाया गया। अरमान, साहिल पे बैठने से जौहर नहीं मिलते, समंदर में उतरना पड़ता है। तुम ये नौकरी ये समझकर क्यों नहीं करते कि ये तुम्हारा बिजनेस है? नजर रखो इन लोगों के ऊपर, एक ना एक दिन तो ये सब तुम्हारा होना है ना, तो इनसे अच्छी तरह से सीख लो। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी शेख चिल्ली की रूह अपने आ रही है। कुछ जादू की छड़ी हमारे पास के घुमाएंगे और जो दिल चाहेगा वो करवाएंगे। अच्छा सुकून से खाना तो खा। नहीं, मैं अपने रूम में ही खा लूंगा। कुछ देर यहां और बैठा तो शाही खानों का दिल चाहेगा, फिर ये दाल चावल भी गले से नहीं उतरेगा। वैसे हो ना हो, एक दिन सब कुछ मेरा ही होने वाला है।
ये अच्छा है। से लाई थी मैं लोहे की अलमारी, बार बार खुल जाती है। लॉक ही नहीं चाहिए इसका। कपड़े कहाँ गए? घर का जिन? हाँ, वो जिन ही था। अगर आपको पता था तो आप सखर से हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई? अरे पागल हो गई हो क्या? हमें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दरवाजा बंद हो गया था, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, और फिर अलमारियाँ। अच्छा बेटे, पुराने दरवाजे हैं, फंस गया होगा, मुझसे भी नहीं खुलता। ठीक करवा लेंगे, परेशान मत हो। और ये इतनी छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे डरते नहीं है, डर खौफ और उलट सुलट चीजें दिखाता है। चलो आओ काम करो। एक ही काफी था घर में, तुम भी शुरू हो गई। आओ, जहन को ना इतनी देर खाली नहीं छोड़ते, इसकी वजह से भी आती हैं जहन में अजीब अजीब बातें। रखो, एक ही घर में काफी है भाई, सब ऐसे नहीं हो सकते। और वहम करना बुरी बात होती है, अकल इस्तेमाल किया करो, रोशनी कर लेती है जरा ज्यादा। चलो खाने को देर हो रही है, और तुम लोग अपने इन बेवकूफी की बातों में लगे रहते हो, इसीलिए रोज देर हो जाती है। अब मुझे अकेले से नहीं होता है भाई। बेटे यहाँ क्यों खड़ी, ऊपर क्यों नहीं गई? अय्या कहाँ मेरी बात के यकीन करेंगी, तो क्यों पूछ रही है? डर लग रहा है बीबी। वहम इंसान को कमजोर बना देता है। वसवसे दिल में घर कर लेना तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। वो मेरा वहम नहीं था, अगर मेरा वहम होता तो मैं अपनी आंखों से। हाँ सही कह रही हैं आप, मेरा वहम ही होगा। वो दरअसल मूवीज देखती रहती है ना, शायद इस वजह से। तो मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना। बच्ची थोड़ी हूँ मैं, क्यों डरूंगी।
अच्छा मैं ऊपर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है? तो चाहिए वो तो आवाज दे दीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खाना पीना छोड़ दोगे तो तुम्हारे अब्बी मान जाएंगे? ये सब मैं उन्हें दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मेरा वैसे ही दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। इस तरह कमजोर हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। कुछ नहीं होता मम्मा, जब मेरा दिल करेगा मैं कुछ खा लूंगा, आप टेंशन ना ले। हाँ लेकिन अब्बी को बता दे कि अगर उन्होंने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। फजूल बातें मत करो, कहीं नहीं जाओगे तुम। और मैंने कहा ना मैं मना लूंगी उन्हें। नहीं मानेंगे, और अब तो दादी भी नहीं जिंदा उन्हें मनाने के लिए। तो ठीक है, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर तुम अकेले नहीं जाओगे इस घर से, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। पुरैन किधर जा रही हो बेटा, सुबह स्कूल जाना है। पुरैन जी चैन से नहीं बैठ रहे। पुरैन 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 बात नहीं सुन रही हो? पुरैन 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 सब तो ऊपर क्या करने गई है? पुरैन पुरैन ऊपर कहाँ आ गई हो? पुरैन ये क्या कर रही हो? ये तुम कहाँ चढ़ी हुई हो? पुरैन पुरैन हंस क्यों रही हो? हाँ पुरैन उतरो नीचे, मेरी मामा क्या कह रही हैं? हाँ पुरैन हिलना नहीं बेटा, मामा आ रही है। हाँ हाँ हिलना नहीं।
पता नहीं चीखने की आवाज है। वानिया क्या हुआ बेटे? वानिया वो काम डाउन रिलैक्स। कुछ भी नहीं है बेटे। वानिया क्या हो गया तुम्हें? पुरैन कमरे में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। कमरे में सो रही है, तुम्हें क्या हो गया वानिया? कोई बात नहीं, तुम पता नहीं, तुम लोग जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ बेटे, और वहीं रहो जाओ। अल्लाह, भाभी की चीखों से तो मेरी जान ही निकल गई थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अबिया अब बिल्कुल ठीक कह रही है। पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं ना, पानी के मसले, गैस के मसले, बिजली के मसले, महंगाई के मसले, बल्कि दुनिया सारी के मसले ना आपकी वजह से। कैसे कर लेती हैं आप ऐसी बातें? क्यों करती हैं? जब से मां से रिश्ता टूटा, इतनी परेशानियां आ रही। लीजिए घंटी बज गई, जोड़ लीजिए अपने रिश्ते और मेरी बात सुने, परेशान मत हुआ करें। अस्सलाम वालेकुम चाची, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। बेटा मुझे माफ कर दो, बस वो फोन आ गया ना अरमान का, तो इसलिए मैं फौरन निकल गई। आप मिलकर भी नहीं गई, आप तो यहाँ रहने के लिए आई थी। वो इमरजेंसी हो गई थी, जब तुमसे मिलूंगी ना तुम्हें तफसील में बताऊंगी। तुम बताओ कैसी हो? दो दिन में 3 दफा फोन किया है मैंने, या तो आपकी बेल बज रही होती है और आप फोन नहीं उठाती, या नंबर बंद मिलता है। बेटा मेरा फोन बिल्कुल मेरी तरह पुराना है, काम नहीं करता सही। अब तुम मुझे बताओ कि गिले शिकवे करती रहोगी या अपनी खैरियत बताओगी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। याद है मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी तुम्हारा दिल घबराए तो तुम कहीं बाहर निकल जाया करो। बताओ कहीं गई हो तुम? कहाँ जाऊंगी चाची? हमारे घर के बाहर इतना अच्छा पार्क है करीब, वहां चली जाओ, सुबह को सूरज सेको या फिर शाम को चहलकदमी कर लो, दिल बेहतर महसूस करेगा। मसला तो सर में है, दिमाग सोचों से खाली ही नहीं होता। राबेल बेटा दिमाग कभी सोच से खाली नहीं होता, बस एक सोच को दूसरी सोच से चेंज कर सकते हैं, और अगर हम कोशिश करें तो अच्छी सोच ही रखें जहन में। हाँ